हेलो फ्रेंड्स, एमपीजी किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तोरई और भिंडी सब्जी की रेसिपी। पितृपक्ष में हम लोग तोरई की सब्जी बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भिंडी डाल दी है और कुछ ऐसी चीज़ डाल दी है जो इसका स्वाद और दोगुना करने वाला है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं तोरई ले ली है, तोरई को दो टुकड़े में काट दिए हैं और इसका काटने के बाद ना इसका छिलका साफ अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। भिंडी को भी काट दिए हैं, पहले भिंडी को साफ धो दिए थे, उसके बाद काटने के बाद थोड़ा धूप दिखा दिए थे। तोरई को हमने अच्छे से काट लिए हैं स्लाइस स्लाइस में, तो यहाँ छोटा बड़ा आप जो भी हिसाब से काट सकते हो। यहाँ भिंडी भी रेडी है, तो सब्जी पूरा रेडी है पकाने के लिए। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिए हैं तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक चम्मच मैं खड़ी धनिया डाल रही हूँ, एक चम्मच जीरा, और उसके बाद लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाली हूँ क्योंकि पितर के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ। पितर के लिए बनाते हैं ना तोरी सब्जी, तोरी की सब्जी बना रही हूँ। उसके बाद चटकने लगा था ना, मैं डाल दी हूँ भिंडी, और भिंडी के साथ अच्छे से पका लूँगी, उसके बाद ढक दूँगी। और यहाँ तोरई को अच्छे से साफ धो दिए थे, उसके बाद इसको प्लेट में निकाल के रख देंगे। जब भिंडी अच्छे से पक जाएगा तो तोरई को डालेंगे। दो तीन बार ढक ढक कर मैं इसको अच्छे से पकाई हूँ, तो देखिए इतना अच्छे से पक गया है। तो तोरई डालते हैं इसमें, उसके बाद अच्छे से खूब इसको और पका लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आएगा, देखते जाइए। अच्छे से चम्मच चला दी हूँ, उसके बाद थोड़ा देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। थोड़ी देर के बाद देखते हो यहाँ पे पानी आ रहा है ना, तो देखते जाइए और पानी आते जाएगा। ऐसा लगेगा कि पानी डाला हुआ है, तो हम लोग नहीं डालेंगे यहाँ पे पानी, बिल्कुल नहीं डालेंगे। और यहाँ पे डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। तोरी हल्का सा पक गया था तो मैं नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, स्वाद अनुसार अपने ले सकते हो पीसी। उसके बाद हल्दी पाउडर एक चम्मच, और यहाँ पर देखिए पानी अभी भी है, अभी तो तोरई भिंडी बहुत अच्छे से पक गया है। उसके बाद डाल देंगे छाछ, तो मेरे पास छाछ था तो मैं छाछ ले रही हूँ। आपके पास दही टमाटर कुछ भी है जो जिसमें आप लोग पसंद करते हो उसको इस टाइम डाल दीजिएगा। तो उसके बाद ये थोड़ा सा और पकाएंगे छाछ के साथ 5 मिनट के लिए। अभी थोड़ा सा यहाँ पर पतला लग रहा है ग्रेवी, तो ग्रेवी ना इसके साथ ही रखेंगे, तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, उसके बाद बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी पूरा सब्जी के साथ है, तो उसके बाद बंद कर देते हैं गैस, और ये रेडी है खाने के लिए। प्लेट में सर्व करते हैं। तो कैसे लगी आप लोगों को मेरी यह रेसिपी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अतर ये भिंडी सब्जी खा के ज़रूर बताइएगा। इसको कोशिश कीजिएगा टमाटर में नहीं बनाकर, दही और छाछ के साथ ज़रूर खाइएगा। सच बता रही बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी लगेगा। तो चलिए फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।